आर्टिकल 20 को लर्न करेंगे, उसकी तीन क्लॉजेस हैं साथ में, वो लर्न करेंगे। जो आर्टिकल का मेन हेडिंग है प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, लेकिन हम डिजिट 20 को या ऐसे लिख के याद कर लेंगे कि कैसे अगर ये एग्जाम में आता है तो कैसे पकड़ना है। सबसे पहले मैंने 20 लिखिया, आर्टिकल 20 वहां लिखा है जो आप लिख लोगे। 20 को मैंने एकदम 420 बना लिया और 420 को एकदम मेरे दिमाग में पता है, मैंने जोड़ लिया कि 420 अपराध करना होता है, तो मुझे याद आ गया 20 420 के साथ जुड़ गया अपराध। अपराधों के लिए दोष सिद्धि मेन वर्ड है, मेन संरक्षण ये हो गया। इंग्लिश में याद करना है तो अपराध जो है लास्ट में इसको ऑफेंसेस बोलते हैं, ऑफेंसेस से रिलेटेड क्या बना मीनिंग के 20 आर्टिकल 420 मतलब ऑफेंसेस से रिलेटेड है, पूरा बन गया प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अब आपने क्लॉजेस याद करनी है तो हिंदी से भी जोड़ सकते हैं, इंग्लिश से भी जोड़ सकते हैं। पहले हिंदी से र मैंने उठाया क्योंकि मेन वर्ड है रिट्रोस्पेक्टिव और इसका दूसरा मीनिंग है एक्स पोस्ट फैक्टो, इसका मीनिंग आगे चल के करते हैं। अपराधों के बाद ध ध जो है इसका मैंने डी बना लिया, डबल जियोपैड्री। ओके, तो लास्ट जो था दोष सिद्धि या संरक्षण से मैंने सेल्फ इंक्रिमिनेशन इसको याद कर लिया, दो तीन बार कॉपी पर लिखा याद हो गया। अगर इसको ही आपने इंग्लिश में याद करना है तो कैसे होगा, इंग्लिश में यहां पर आपने लिखा है प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफेंसेस, तो प्रोटेक्शन का आर से ये मिल गया रिट्रोस्पेक्टिव और साथ में ई से एक्सपोस्ट फैक्टो और डी से मिल रहा है विद द, इसकी आवाज से डी बना लिया। जैसे आपकी एसोसिएशन अच्छी होती है वैसे बना लेनी है, ये बन गया। और जो ऑफेंसेस है ये ऐसी ये था, इसके साथ सेल्फ इंक्रिमिनेशन बना लिया। ऐसे ही अगर आपने हिंदी में लर्न करना है तो वो कैसे करेंगे, ये हिंदी में आ गया, हिंदी में आपने अपराधों के लिए दोष सिद्धि संरक्षण लिख लिया है कॉपी पर, उसके बाद प को उठाया पूर्व व्यापी रिट्रोस्पेक्टिव अपराधिक कानून, है ना, पूर्व व्यापी सिर्फ याद रखना है, बाकी वहां एग्जाम में आपसे हो जाएगा इजीली। दूसरा है ये बहुत मेन है, डी भी बनता है दो भी बनता है, दोहरा जोखिम दोहरा खतरा, है ना, तो ये डेंजर इसका मतलब है, जियोपैड्री जो पीछे करके आए हैं। सो दो से ही दूसरा, दोषी ठहराने पर रोक, खुद को दोषी ठहराने पर रोक, ऐसे इसको एसोसिएट करके लर्न कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो नेचुरली इसका डिटेल में आपको करना पड़ेगा। डिटेल में क्या है, ये टेबल बनाया है, 20 लिखा है, पूरा नाम है हिंदी में लिखा है और 21 है जो रिट्रोस्पेक्टिव था। अब रिट्रोस्पेक्टिव को एक्सपोस्ट फैक्टो जिसे कहते हैं हिंदी में, पूर्व व्यापी अपराधिक कानून है क्या वो समझ लेना चाहिए। मान लीजिए यहां पर अपराध हुआ है, ये टाइमलाइन है 2018, 19, 20, 21, 22, 23, ये 2029 तक है, ये प्रेजेंट है, यहां पर मैंने ले लिया प्रेजेंट, यहां ये हो गया प्रेजेंट। मान लीजिए यहां पर अपराध हुआ है, रेप हुआ है, ठीक है, 2023 में, और दो साल बाद, एक साल बाद, तीन साल बाद, चार साल बाद नया कानून बनता है। यहां जब रेप हुआ था तो उसकी सजा थी 7 ईयर, और एक साल बाद या दो साल बाद फ्यूचर में वो सजा बढ़कर हो गई 10 साल, 10 ईयर्स। ओके, दो प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं, अगर वो 10 साल हो जाती है तो वो पीछे अप्लाई नहीं होगी, उनको 7 साल ही सजा मिलेगी। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर वो 7 साल की थी 2025 में, मान लीजिए कि वो 5 साल रह गई है, तो फिर ये अप्लाई होगी, मतलब के कम होने पर वो रिट्रोस्पेक्टिव अप्लाई होगी, लेकिन अगर सजा बढ़ जाती है फ्यूचर में तो वो पिछले जो पीछे अपराध करके आए हैं उस पर अप्लाई नहीं होगी। ऐसे उस अपराधी को संरक्षण मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है कि बढ़ गया तो सजा बढ़ गई तो अपराध की सजा आपकी नहीं बढ़ेगी, अगर कम हो गई है तो हाँ कम वो
हो जाएगी, इतनी बात है। वापस चलते हैं 22 को साथ में आप वैसे ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 2 भी लिखा है, 2 यहां भी लिखा है, 22 और डबल हो गया इसका, है ना, दोहरा हो गया, 2 से 7 मिलता है। तो ये क्या है कि एक ही अपराध की दो बार सजा नहीं दी जा सकती, ये इतना है, सिंपल है, इसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। 3 क्या है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद को दोषी ठहराने पर रोक। किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को राज्य द्वारा अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये मैंने नीले कलर में जो किया है ये मेन पॉइंट है, अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो इस टेबल को भी और भी आपने छोटा करना है तो आप इतना लिख सकते हैं, लेकिन टोटल लिख के फिर उसको मेन को अंडरलाइन या हाईलाइट कर लिए तो ये बेटर होगा। अगर वेरी इजीली ये 3 जो हैं 21, 22, 23 करने हैं तो इसको नो रिट्रोस्पेक्टिव एक्सपोस्ट फैक्टोला, नो डबल ज्यूडरी, नो सेल्फ इंक्रीमेशन, ऐसे याद करेंगे। एसोसिएशन करनी है, हम पीछे कर आए हैं। नेक्स्ट जो है आर्टिकल वो करते रहेंगे। एक टोटल वीडियो होगा जिसमें सारे फंडामेंटल राइट को कैसे जल्दी जल्दी लर्न करना है, मेमोराइज करना है और एग्जाम के दौरान बाहर निकालना है, वो लर्न करेंगे। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।